हेलो नमस्कार अदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ राशि फल के बारे में। 5 मई और 6 मई दो दिन के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि 5 मई को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे और 6 मई को मिथुन राशि में रहेंगे और 7 मई को वो कर्क राशि में चले जाएंगे। तो सिर्फ 5 और 6 का ही मैं आपको बताने वाला हूँ। देवी और सज्जनों, 5 तारीख को, 5 मई को जो शुभ मुहूर्त है, जिसमें आप कोई बढ़िया काम अगर सोच रहे हो, किसी काम का शुरुआत करना अथवा कुछ भी शुभ काम अगर आप करना चाहते हो, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त जिसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं वो है 11:17 सुबह से लेकर के 12:10 दोपहर तक, यानी कि 11:17 AM से 12:10 PM 5 तारीख को। और यही 6 तारीख को जो है सो समय आपके लिए हो जाएगा फिर से वही 11:17 AM से 12:10 PM, यानी कि 11:17 AM से 12:10 PM तक का ये जो समय है आपके लिए 5 तारीख को भी और 6 तारीख को भी, दोनों दिन आपके लिए बड़ा ही सुंदर, बढ़िया और हर मामले में इस काम में, इस समय में, जिस किसी भी मामले में आप कुछ भी नया करना चाहते हो तो ये शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है, इस समय में आप जरूर शुरू करो। 5 और 6 तारीख को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जिसका मेष से लेकर के मीन राशि वालों पर में क्या प्रभाव पड़ेगा, मेष से लेकर मीन तक, वो सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देवी और सज्जनों, ये जो हमारा राशि फल है वो चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को अपनी जन्म राशि मालूम है वो लोग अपनी जन्म राशि से देखें, जिन लोगों को अपनी जन्म राशि नहीं मालूम है वो लोग अपनी नाम राशि से देखें। आइए मेष से चर्चा आरंभ करता हूँ। आराम से शांति से श्रवण करना है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कहा गया है कि जल्दी का काम शैतान का। बहुत जल्दी करोगे कुछ फायदा नहीं होगा, सही से सुन भी नहीं पाओगे, सही से समझ भी नहीं पाओगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में जीवन में कोई काम सही से नहीं हो पाएगा। चर्चा मेष से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव जो हैं सो यहां पर में रहेंगे आपके कुंडली के इस जगह पर में, यहां पर में चंद्रदेव रहेंगे। तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण क्या फल आपको मिलने वाला है, महर्षि क्या कह रहे हैं उसको श्रवण करें। कह रहे हैं कि मेष राशि वालों के लिए तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण मेष राशि के जातक को धन की प्राप्ति होगी, पैसे आएंगे, वस्त्र का सुख मिलेगा, बढ़िया कपड़ा पहनने को आपको मिलेगी। हो सकता है कोई नई वस्त्र, नए कपड़े आप खरीद भी सकते हो। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अगर कोई परेशानी पहले से थी तो इस समय में आप राहत महसूस करोगे। आपको मैं बता दूं कि शत्रुओं पर में आपको विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रदेव आपके साथ तैयार है, खड़े हैं। कह रहे हैं कि मन प्रसन्न रहेगा आपका, मन जो है अंदर से एक अलग तरह की अनुभूति, प्रसन्नता जो है सो महसूस करोगे। प्रेमिकाओं के साथ अथवा प्रेमी के साथ वक्त बिताने के साथ साथ सहवास का भी सुख प्राप्त होगा, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी आपको प्राप्त हो सकता है। बंधुजनों से लाभ भी मिलेगा, बहुत सारे लोगों से आपका संपर्क भी बढ़ेगा और भाग्य में भी वृद्धि का लेकर के योग ये बैठे हुए हैं। और इसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं देवी और सज्जनों, ये जो तीसरा भाव है आपके छोटे भाई बहन का होता है, आपके छोटे भाई बहन का। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है
तो चंद्रदेव यहाँ पर मैं आपको बड़ा सुपर क्लास का रिजल्ट देने वाले हैं, बहुत अच्छा। जैसे मैं क्या कि छोटे भाई बहन से विशेष तौर पर मैं लाभ दिलवाने की 5 और 6 मई को वो प्रयास करें। उनका ये प्रयास रहेगा कि किसी ना किसी प्रकार से आपको अपने छोटे लोगों से फायदा मिल जाए, चाहे वो आपके छोटे भाई बहन हो अथवा छोटे भाई बहन समान व्यक्ति हो अथवा आपके जूनियर्स ही क्यों ना हो, आपके ऑफिस में काम करने वाले आपसे कनिष्ठ अधिकारी यानी कि आपके जूनियर अधिकारी ही क्यों ना, उन सब से कहीं ना कहीं से अगर आपने प्रयास किया तो चंद्रदेव आपको लाभ दिलवाने में सक्षम है और वो आपको दिलवाने में मदद करेंगे। ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके खुद के पराक्रम का होता है। तो मेष राशि वालों का अनुभव करोगे आप 5 और 6 तारीख को बड़ा पराक्रमी बने रहेंगे, पराक्रम उनका देखने को मिलेगा। ये तीसरा भाव आपके धैर्य का भी होता है, तो धैर्य आपका बहुत मजबूत इस समय में आएगा, ऐसा लगेगा कि बड़ा पेशेंस लेवल अप हो गया है, बहुत हाई लेवल का पेशेंस जो है सो बढ़ गया है। आपको बता दूं कि गुप्त शत्रु का भी भाव यही तीसरा ही होता है, तो गुप्त शत्रु जो है सो इस समय में आपको परेशान नहीं कर पाएगा, चंद्रदेव की महिमा से चंद्रदेव की कृपा से इस समय में उसको भी आप पार घाट उतार दोगे, वो भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। कहावत है कि जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होई, कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा एकदम। अभी इस समय में स्वयं चंद्रदेव आपके साथ तैयार है, आपके पक्ष में। ये जो तीसरा भाव है आपके बॉडी पार्ट की अगर बात करूं तो इस गले का है, नाक का है, श्वसन अंग का है और आपके इन हाथों का भी है। तो नाक कान गले श्वसन अंग से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें आपको इस समय में राहत देखने को। ये भुजा का हाथ है, बांह का, जो हमारे कर्म का कुछ कर गुजरने का प्रतीक है और चंद्रदेव आपके भुजा पर में बैठ गए। इन हाथों से आज आपको 5 और 6 तारीख को कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो आपको असंभव लगे, किसी भी काम को करने में आपका ये हाथ सक्षम है। आपके अंदर अपने आप ये ऊर्जा, अपने आप ये अनुभूति, अपने आप ये एहसास आ जाए। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर भी। नौवा भाव सबसे पहले तो भाग्य का होता है, तो भाग्य का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा आपको। भाग्य भरोसे इन दोनों दिनों में चाहोगे तो आप किसी भी काम को निपटा सकते हो, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, परिश्रम आपका और साथ भाग्य का। ये भाव आपके धर्म और तीर्थ यात्रा वगैरह का भी होता है, तो आपको धर्म के क्षेत्र में भी काम करने का मौका मिलेगा, धर्म का भी काम करोगे। तीर्थ यात्रा में चाहे एक छोटे से मंदिर पर में जाके भगवान का दर्शन ही क्यों ना करना हो, वो भी करोगे। ससुराल से भी लाभ मिलने के योग बनेंगे, खास करके साला से और साली से। ये जो नौवां भाव है आपके लिए संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी होता है, जिसके कारण से इस नौवें भाव पर में दृष्टि के कारण आपको संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, कुछ सपने भी पूरे होंगे और शिक्षा का भी लाभ मिलेगा, यश में भी वृद्धि होगी हर मामले में। यानी कि कहने का मतलब 5-6 तारीख को चंद्रदेव आपके लिए सामान्य राशि फल है ये, इसको जन्म कुंडली के साथ 100% के साथ कभी तुलना मत करना, नहीं तो मार खा जाओगे, तब आप पीछे रह जाओगे, बैक चले जाओगे, तब आप नहीं सटीक उतर पाओ। ये एक सामान्य राशिफल है, इस बात को हमेशा मान करके चलना है। और जन्म कुंडली एक बहुत विशेष चीज है, वो अलग है, उसमें और इसमें दिन रात का अंतर है, ये एक सामान्य राशिफल है। अच्छा, उसके बाद और क्या है कि मेष के बाद वृषभ राशि वालों के लिए अब देखो चंद्रमा कहाँ आ जाए। वृषभ राशि वालों के लिए मेष राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं। अब वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव आ जाएंगे यहाँ पर में, यानी कि आपके कुंडली के दूसरे भाव में यहाँ पर में आ जाएंगे चंद्रदेव। और दूसरे भाव में चंद्रदेव के बैठने के कारण वृषभ राशि वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि दूसरे भाव में बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि
वृषभ राशि वालों को चंद्रमा जो दूसरे भाव में बैठ गए, इसीलिए इस समय में 5 और 6 तारीख को मानसिक असंतोष की प्राप्ति हो सकती है। आपका मन इस समय में संतुष्ट जो है 5 और 6 तारीख को नहीं रहेगा। परिवार के लोगों से कम बनेगी, लिखते हैं कि कुटुंब से नहीं बनेगी। आंख से संबंधित पीड़ा या कोई अन्य रोग भी आपको परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्त करने में कमी का एहसास होगा। लिखते हैं कि कार्यों में असफलता मिलेगी और पाप कर्म करने के प्रति भी आपका मन डोल सकता है और विद्या की प्राप्ति इस समय में आपकी रुचि नहीं होगी, आपका लक्ष्य नहीं होगा। अब इसको सामान्य भाषा में समझते हैं, ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, वो आपके धन धान्य संपत्ति का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। चंद्रदेव के यहाँ बैठने के कारण इस समय में बैंक बैलेंस करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो पैसा आपके पास में है, आपके पॉकेट में, चंद्रदेव इन 2 दिनों में उसमें से भी कुछ निकालने का ही प्रयास करेंगे। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए बता दूं कि आपके वाणी का भी भाव होता है। आपको वाणी में कुछ करवाहट, कुछ तीखापन, कुछ दूसरे टाइप का शब्द का प्रयोग करना, अच्छे तरीके से बात ना करना, जिसके कारण से भी कुछ परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है वो वृषभ राशि वालों के लिए परिवार का भी होता है। परिवार के लोगों से भी जो लाभ मिलना चाहिए, बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए, 5 और 6 मई को आप उसमें कमी महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि है, लेकिन वो बात नहीं है। अच्छा, ये जो दूसरा भाव है वो परिवार के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि आपके पड़ोसी का भी होता है। पड़ोसी के साथ भी इस समय में अगर आप चाहोगे जो कुछ लाभ ले लूँ, कुछ विशेष फायदा ले लूँ, तो बहुत कम प्राप्त होगा अथवा नहीं प्राप्त होगा। यहाँ से दृष्टि चंद्र की पड़ेगी अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से आपके संभल करके चलने की आवश्यकता है, नहीं तो चोट वगैरह लग सकती है, दुर्घटना वगैरह हो सकता है। अचानक से बनता हुआ काम अनुभव करोगे कि बिगड़ने लगेगा इन 2 दिनों में। रैंडम कुछ लॉस भी हो सकता है। जिस किसी भी व्यक्ति को बवासीर, पाइल्स इत्यादि की समस्या है, यानी कि गुदा मार्ग पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी है, तो उस व्यक्ति को इस समय में कुछ परेशानी विशेष तौर पर में बढ़ सकती है। वृषभ राशि वालों को उपाय करने की परम आवश्यकता है। वृषभ राशि वाले क्या करें, 5 और 6 तारीख को थोड़ा सा चीनी लेकर के कहीं पर में ठंडे में डाल दें, जहाँ चींटी आकर के उसको खा ले। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। वृषभ के बाद अब मिथुन की चर्चा करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, चंद्रदेव जो है सो यहाँ आ जाएंगे कुंडली के प्रथम भाव में। प्रथम भाव में चंद्रदेव के आने के कारण आपको हर मामले में मिथुन राशि वाले पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब कैसे, कहते हैं कि जब मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव में आ जाए तो उस व्यक्ति को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। यानी कि 5 और 6 तारीख को आपको सुख की भी प्राप्ति और आनंद के भी प्राप्ति का योग चंद्रदेव ने बना दिया मिथुन राशि वाले। और कहते हैं कि वो व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है या रोग से राहत महसूस करता है। देवी और सज्जनों, उसके बाद महर्षि कहते हैं कि इतना ही नहीं, उत्तम भोजन, बढ़िया कपड़ा और सैया की सुख भी प्राप्ति होती है। और क्या कहते हैं कि स्त्री के साथ संभोग का अवसर भी प्राप्त होता है अपने जीवन साथी के साथ, उपहार और धन की भी प्राप्ति होती है, महर्षि का कहना है। इसको आसान भाषा में आपको समझा दूं तो प्रथम भाव में मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव बैठे 5 और 6 मई, ये क्या करेंगे, 5 मई को और 6 मई को आपके मस्तक पर में ये विराजमान है। बॉडी पार्ट की बात की जाए तो ये मस्तक है, आपके मस्तिष्क पर में चंद्रदेव विराजमान है। बड़ा शीतलता बना करके रखेंगे, हर जगह आपका एक अलग इमेज क्रिएट करेंगे, बड़ा ही सुंदर छवि आपकी जो है सो उभर करके सामने आएगी और बड़ा
अच्छा लगेगा आपको। ये पहला भाव आपके ज्ञान का, आपके रंग रूप का, आपके बल का और आपके शरीर का भी होता है, तो जिसके कारण से चंद्रदेव के कारण आपके ज्ञान में वृद्धि का योग। ज्ञान आपका कमाल का काम करेगा, ज्ञान बहुत ऊपर लेवल का आपको प्राप्त हो सकता है इन्हीं दो दिनों में। शरीर में बल का एहसास होगा, ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे, तन जाओगे कि चलो करना है तो करना है, इस प्रकार की बातें, चुस्त फुर्त रहोगे, एकदम दुरुस्त रहोगे। ये पहला भाव आपके रंग रूप का भी होता है, बड़ा ही सुंदर मनमोहक आकर्षक छवि आपकी निकल करके सामने आएगी। आपको मैं बता दूं कि ये जो पहला भाव है आपके शील स्वभाव, गर्व करने लायक काम और विनम्रता का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में आपका चरित्र भी बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक कुछ काम भी कर, छोटा सा ही काम क्यों ना हो लेकिन कर सकते हो, स्वभाव भी बढ़िया रहेगा और विनम्रता भी बनी रहेगी। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर में। जिस किसी व्यक्ति का विवाह हो चुका है उसको जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद रहेगा। ये जो सातवां भाव है आपके दैनिक किए जाने वाले कामों का भी है, यानी कि दैनिक रोजगार व्यवसाय या कुछ भी जो करते हो उस मामले में भी चंद्रदेव आपको बहुत सुंदर रिजल्ट देने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि आपका जो दुश्मन है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, या तो उसके कलेजा में इतनी ताकत नहीं होगी 5 और 6 तारीख को कि वो आपसे टकरा सके, आपके बारे में कुछ ऐसा कर सके, और नहीं तो अगर आपके सामने अगर कोई आ भी गया तो जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, भली बात सामने आ जाएगी। यानी कि अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब धूमिल करके जाएगा। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो वो भी इस समय में मिला जुला करके ठीक ही रहेगा। तो मिथुन राशि वालों को भी किसी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए समय बढ़िया है। अब कर्क राशि वालों की चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव जो है सो कहां पर में बैठेंगे, तो ये हो गए कर्क, ये हो गए मिथुन, मिथुन राशि वालों का हो गया। अब कर्क राशि की चर्चा करेंगे, तो कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव का स्थान होगा ये 12वां भाव, यहां पर में बैठेंगे चंद्रदेव कर्क राशि के लिए। कब कर्क राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा उसको समझने का प्रयास करो। कर्क राशि वालों के लिए कहते हैं कि 5 और 6 तारीख का समय कैसा रहेगा, महर्षि क्या कहते हैं उसको सुनो। महर्षि कहते हैं कि चंद्र से द्वादश भाव में अगर गोचर बस चंद्रमा आ जाए तो कर्क राशि वालों को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, यानी कि 5 और 6 तारीख को कर्क राशि वालों को किसी न किसी मामले में शारीरिक कष्ट का कुछ सामना करना पड़ेगा। और कहते हैं कि आंख से संबंधित कुछ विशेष परेशानी परेशान कर सकती है, चाहे वो दर्द हो, चोट लगना हो, आंख में जलन हो, कुछ भी एनीथिंग एल्स आपको परेशान कर सकती है। धन और मान की भी हानि होती है, कुछ पैसे भी जाएंगे, कुछ मान सम्मान में भी कमी आएगी। और कहते हैं कि इस समय में संतान का भी सुख सही तरीके से आपको 5 और 6 मई को प्राप्त नहीं हो पाएगा। और क्या कहते हैं, कहते हैं कि मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं, खर्चा अधिक होता है, और इस समय में कर्क राशि वाला व्यक्ति परेशान रहता है। यानी कि 5 और 6 तारीख का जो समय है वो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसको सामान्य तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 12वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके खर्चे का होता है, जिसके कारण से इस समय में आपका खर्चा
आपकी सोच से ज़्यादा पॉकेट से ज़्यादा होने लगेगा। 5 और 6 तारीख को कुछ धन हानि भी हो सकती है। ये जो भाव है धन हानि के साथ साथ आपके सैया सुख का भी है, सैया सुख में बिस्तर के सुख में भी कुछ कमी का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये जो 12वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके विदेश का भी भाव यही है। जो लोग विदेश में रहते हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं उन लोगों को विदेश से सुख का विशेष योग बन रहा है, उन लोगों को विदेश से विशेष लाभ मिल सकता है। ये 12वां भाव देवी और सज्जनों आपके लिए अस्पताल के खर्च का भी होता है, तो कर्क राशि वालों को अस्पताल का खर्चा भी इस समय में कुछ झेलना पड़ सकता है। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। यहां से दृष्टि पांव में भी कुछ दर्द हो सकते हैं, और यहां से दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर में, दुश्मन पर दृष्टि पड़ गई, दुश्मन को भी जगा दिया, वो भी कुछ परेशान करने का आपको प्रयास करेगा, चिंताओं को बढ़ा देगा। इसलिए चिंता ना करें तो ज्यादा अच्छा है। कहा गया है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, चिंता चिता समान। चिंता के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, तो चिंता एकदम नहीं करने की आवश्यकता है, जितना कम से कम होंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये रोग का है तो पेट से संबंधित कुछ परेशानी, कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना, कुछ अगर लोन वगैरह लेने की फिराक में आप थे, कोशिश में लगे हुए थे कुछ लोन वगैरह ले लूँ, कुछ कहीं से जुगाड़ हो जाए बैठ जाए, कुछ कर्ज वगैरह ले लूँ, तो वो इस समय में प्रयास करोगे तो आपको वो मिल सकता है। आपको मैं बता दूँ देवी और सज्जनों कि अपयश और कलंक भी आप पर में कोई लग सकता है, शोक और दुख की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। कर्क राशि वालों को इस समय में उपाय करने की परम आवश्यकता है, उनके लिए उपाय है दोनों में से किसी भी एक दिन महादेव को जाकर के दूध चढ़ा दे, आपके लिए अच्छा है। कर्क के बाद अब सिंह की चर्चा करेंगे। अब सिंह राशि वालों के लिए, सिंह यानी कि 5, सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव आ जाएंगे यहाँ पर में, सिंह कर्क मिथुन यहाँ पर में चंद्रदेव आ गए। अब सिंह राशि वालों के लिए बड़ा सुपर क्लास का समय ये रहेगा। अब कैसे क्या कहते हैं महर्षि उसको सुन लो। महर्षि कहते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए अगर चंद्रमा गोचर के 11वें भाव में आ जाए तो उस मनुष्य की आयु में वृद्धि हो जाती है, जिंदगी लंबी हो जाती है, जिंदगी बढ़ जाती है। कहते हैं कि व्यापार में पर्याप्त लाभ मिलने लगता है, पुत्रादि का सुख भी प्राप्त होता है, उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है और समय से मिल जाता है भोजन, ये सबसे बड़ी बात। उसके बाद कहते हैं कि मित्रों से हास परिहास और स्त्री का सुख भी उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, प्रफुल्लित मन रहता है, महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं और स्त्री पक्ष से आपको लाभ भी मिलता है। हर मामले में बड़ा सुंदर व्याख्या दे रहे हैं महर्षि, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बड़ा सुपर क्लास का ये समय रहने वाला है। अब इसको थोड़ा सा आसान भाषा कर देता हूँ मैं, जैसे कि सिंह राशि वालों के लिए बताता हूँ मैं कि 5 और 6 मई को आय में कुछ वृद्धि होगी, कुछ लाभ भी मिलेंगे, कुछ उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि ये भाव उपलब्धि की प्राप्ति का भी है, आय का भी है, लाभ का भी है, कुछ मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, कुछ इच्छा पूर्ति जो दबी हुई थी वो भी इस समय में पूरी होगी। उसके साथ साथ देवी और सज्जनों, बड़े भाई बहन सीनियर्स का भी कुछ सपोर्ट मिलेगा, जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू और दामाद का भी सुख प्राप्त होगा। पांव में अगर दर्द था तो इस समय में राहत महसूस होगी, कान से संबंधित कुछ परेशानी विशेष थी तो इस समय में आराम महसूस होगा। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से पड़ गई 7वें 5वें भाव पर में, संतान का भी सुख प्राप्त होगा। 5वां भाव संतान के साथ साथ आपके विद्या बुद्धि का, तो आपको अपने विद्या बुद्धि का उचित इस्तेमाल करके उसका उचित लाभ लेने का भी अवसर प्राप्त होगा।
संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का तो आशीर्वाद प्राप्त होगा ही, लेकिन धर्म कर्म का भी काम करेंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, पेट से संबंधित परेशानी में राहत महसूस करेंगे, हर मामले में बढ़िया। तो सिंह राशि वालों को भी किसी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। अब सिंह के बाद अब हम लोग कन्या की चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव आ जाएंगे यहाँ पर दशम भाव पर। दशम भाव में चंद्रदेव के आने के कारण कन्या राशि वालों को क्या फल मिलेगा उसको आइए समझते हैं। कहते हैं देवी और सज्जनों कि चंद्र से दशम भाव में कन्या राशि वालों के लिए अगर चंद्रमा आ जाए, यानी कि गोचर कुंडली ये पहला भाव हुआ जहाँ पर में, यहाँ से चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के दशम भाव में आ जाता है तो महर्षि कहते हैं कि उसके अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होती है। वो जैसा चाह रहा था, जिस काम को करना चाह रहा था, उस कार्य में उसको सफलता की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि सभी कार्य सरलतापूर्वक पूर्ण हो जाते, सब काम। जातक का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है, सरकार के तरफ से भी, मालिक के तरफ से भी धन और सम्मान की प्राप्ति होती है, नौकरी में भी बढ़िया ग्रोथ मिलता है और अपने से सीनियर अधिकारी प्रसन्न रहते हैं, और क्या तो उत्तम गृह का सुख भी आपको प्राप्त होता है, हर मामले में बढ़िया रिजल्ट आपको देगा। आसान भाषा में इसको अगर समझना चाहे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, दसवां भाव आपके पिता का भी होता है, तो पिता से भी कुछ लाभ अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ, सुख का योग। दसवां भाव आपके काम धंधा का होता है तो कारोबार का भी 5 और 6 मई का बढ़िया चलना। दसवां भाव आपके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान का भी होता है तो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होना। दसवां भाव आपके प्रभुता पावर का भी होता है तो पावर भी मिलना, पद की भी प्राप्ति होना, मालिक से भी फायदा होना। इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ गई, सुख में भी वृद्धि, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से भी लाभ, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति का भी सुख के प्राप्ति का योग, कुछ अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी। सभी मामलों में आपके लिए चंद्रदेव यहाँ पर में कन्या राशि वाले बढ़िया रिजल्ट लेकर के बैठे हुए। कन्या राशि वालों को भी किसी प्रकार के उपाय की आवश्यकता। कन्या के बाद अब हम लोग तुला राशि की चर्चा करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा तुला राशि वालों के लिए आ जाएंगे नवम भाव में, और नवम भाव होता है भाग्य का। नवम भाव में चंद्रमा के आने के कारण आपको क्या रिजल्ट मिलेगा आइए सोचते हैं। नौवां भाव भाग्य का तो होता है, लेकिन चंद्रमा के यहाँ बैठने के कारण आपको इन 2 दिनों में तुला राशि वाले परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि कहते हैं कि इस समय में सरकार के तरफ से, मालिक के तरफ से कुछ परेशानी तुला राशि वालों को आ सकती है, बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ हानि उठाना पड़ सकता है, संतान के साथ कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और उनका स्वास्थ्य भी नरम पड़ सकता है, उधर छाती में कुछ परेशानी, कुछ शिकायत सामने आ सकती है। जातक का जो है भाग्य उसका साथ कम देता है, दुश्मन परेशान करते हैं और मालिक से भी बहुत लाभ नहीं मिल पाता। अर्थात नौवां भाव आपके भाग्य का होता है तो इस समय में आप अनुभव करेंगे कि भाग्य का सपोर्ट कम मिल रहा है, धर्म कर्म का काम करने की कोशिश करेंगे उसमें कुछ बाधाएं आ जाएंगी, ससुराल से फायदा कम मिल पाएगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद कम मिल पाएगा, यश में कुछ कमी महसूस करेंगे, सपनों को पूरा करने में रुकावटें आने लगेंगी। यहाँ से दृष्टि पर गई सप्तम तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन जूनियर्स का जो है सो सपोर्ट साथ कम मिलेगा, खुद के पराक्रम में थोड़ा सा नरमी महसूस करेंगे, थोड़ी सी कमी महसूस करेंगे, धैर्य थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा नहीं, और गुप्त शत्रु जो है सो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है, हाथों में वो शक्ति नहीं महसूस होगी, वो अंदर से जज्बा नहीं आएगा चलो कुछ करके देखो, 2 दिन आप थोड़े से सुस्त और मंदे पड़े रहेंगे। आपके लिए उपाय तुला राशि वाले, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 1 माला 5 और 6 तारीख को जाप कर लेंगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। 5 और 6 तारीख या तो जाप कर ले, नहीं तो थोड़ा सा चीटी को चीनी खिला दे, नहीं तो महादेव को दूध चढ़ा दे, अथवा उजला फूल तोड़ के चढ़ा दे महादेव को, आपके लिए बढ़िया रहेगा 5 और 6 तारीख।
नहीं तो ये चंद्रदेव तुला राशि वालों को 5 और 6 तारीख को थोड़ा सा परेशान करने वाले हैं, सावधानी रखने की आवश्यकता है आपको। अब तुला के बाद हम लोग वृश्चिक राशि की चर्चा करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखो, ये हो गया वृश्चिक राशि। इसके लिए चंद्रदेव आ जाएंगे कुंडली के अष्टम भाव। वृश्चिक राशि वालों को 5 और 6 तारीख का समय बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। कहते हैं महर्षि कि अष्टम भाव में गोचर बस चंद्रमा के आने से आपको इस समय में वृश्चिक राशि वाले अपच की समस्या, श्वास की समस्या, सर्दी खांसी, छाती से संबंधित समस्या कुछ परेशान कर सकती है। लड़ाई झगड़ा विवाद हो सकता है, मानसिक क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। नियत समय पर अच्छा भोजन मिलने में परेशानी आएगी, अचानक से बड़ी कष्ट आपको परेशान कर सकती है और धन की भी आपका हानि हो सकता है। आसान भाषा में इसको समझें तो यूं समझेंगे कि ये जो आठवां भाव है आपके रुकावट का होता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय में 5 और 6 मई को रुकावटें बहुत आएंगी, बाधाएं बहुत आएंगी काम में। जिस काम को भी करने की कोशिश करोगे उसमें बहुत रुकावट, बहुत बाधा आ जाएगी। आपको मैं बता दूं कि ये भाव आपके लिए अचानक से धन लाभ और धन हानि का भी होता है, तो आपको चंद्रदेव यहाँ पे अचानक से धन हानि देने का प्रयास करेंगे। जो लोग विदेश में होंगे उनके लिए बहुत बढ़िया रखेंगे, खूब लाभ देंगे, लेकिन जो लोग अपने जन्म देश में होंगे उनके लिए ये चंद्रदेव अचानक से धन हानि, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, दुर्घटना का योग, चोट लगने का योग। और इसकी सातवीं दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा करने में भी परेशानी का योग, और जो जमा पूंजी है उसमें से भी अपने हाथ से निकलने का योग लेकर के बैठे रहेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है आपके धन धान्य संपत्ति के साथ साथ आपके परिवार का भी होता है, तो इस समय में वृश्चिक राशि वालों को परिवार में भी कलह और टेंशन की स्थिति देखनी पड़ेगी। वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, भोजन सही समय पर में और बढ़िया ना प्राप्त होना, और मुख से संबंधित मसूरे, दांत, जीभ इत्यादि कुछ में दर्द वगैरह, परेशानी वगैरह भी कुछ महसूस हो सकती है। इसलिए सावधान, जिनको बवासीर, पाइल्स, गुदा मार्ग, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी है उनको भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भोजन पर में एकदम कंट्रोल करके चलने की कोशिश करेंगे 5 और 6 तारीख को। देवी और सज्जनों, अब वृश्चिक के बाद धनु राशि की चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों के लिए चंद्रदेव आ जाएंगे यहाँ पर में कुंडली के सप्तम भाव में। सातवां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी का, इन सब का होता है, तो सप्तम भाव में यहाँ पर में आने के कारण महर्षि क्या कहते हैं उसको सुनिए। वृश्चिक राशि धनु राशि वालों को जो है सो महर्षि कहते हैं कि सातवें भाव में गोचर बस चंद्रमा के आने से धन का लाभ होगा। आपको पर्याप्त काम का सुख, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं होंगी, वाणिज्य तथा व्यवसाय में लाभ मिलेगा, उत्तम भोजन मिलेंगे, बढ़िया कपड़ा मिलेगा, बढ़िया पीने के लिए पदार्थ मिलेगा, शयन सुख अच्छा मिलेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेंगे, वाहन अच्छे मिलेंगे चढ़ने के लिए, ख्याति प्राप्ति होगी, हर मामले में आपके लिए ये अच्छा रियल। इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं तो यहाँ पर मैं चंद्रमा के बैठने के कारण आपको जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा। धनु राशि वाले 5 और 6 मई को काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया बीतेगा। जिसका विवाह नहीं हुआ है और अगर विवाह की चर्चा चल रही है तो बात आगे बढ़ेगी। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा, दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, पार्टनरशिप में भी अगर कोई काम है तो ठीक ही चलेगा मिला जुला। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, लिंग, योनि, गुदा और अंडकोष से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होगी वहाँ भी राहत महसूस करो। सातवीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से शरीर का रंग रूप बढ़िया दिखेगा, आकृति अच्छी लगेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग बड़ा स्ट्रांगली काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव अच्छे रहेंगे, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी, हर मामले में आपके लिए ये चंद्रदेव आपको धनु राशि वाले अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं 5 और 6 मई। धनु के बाद अब हम लोग मकर की चर्चा करेंगे। मकर यानी कि 10, यहाँ पर में चंद्रदेव आ जाएंगे यहाँ पर छठे भाव में।
और छठे भाव में चंद्रदेव के आने के कारण मकर राशि वालों को बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे कि क्या कहते हैं महर्षि कहते हैं कि चंद्रमा से यानी कि गोचर कुंडली से छठे भाव में अगर चंद्रमा आ जाए तो मकर राशि वालों को धन का लाभ मिलता है तथा उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, यश और आनंद की प्राप्ति होती है, महिलाओं से संपर्क बढ़ता है, अपने घर में भी सुख प्राप्त होता है, शत्रुओं की पराजय होती है, रोगों का नाश होता है परंतु खर्चा अधिक होता है। इसको आसान भाषा में समझ लें, इस यहाँ पर में चंद्रमा के बैठने के कारण मकर राशि वालों के दुश्मनों का नाश होगा, दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बाल बाका नहीं कर पाएगा, चिंताएं कम होंगी, हेल्थ बाय यीशु में आराम महसूस होगा। उसके बाद कर्ज वगैरह अगर है तो उसमें राहत महसूस होगी, अगर लोन वगैरह लेना चाहते हो तो वो सब मिल जाएगा, केस मुकदमा चल रहा है तो वहाँ पे आपको राहत महसूस होगी, अपयश कलंक शोक और दुख अगर कुछ भी आपको है तो वो सब या तो खत्म हो जाएगा या उन सब में कमी आ जाएगी। यहाँ से सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा कुछ ज़्यादा होगा, शैया सुख में वृद्धि होगी, अस्पताल का खर्चा भी कंट्रोल में आने लगेगा और आँख से संबंधित परेशानी जो है आपकी उसमें आप राहत महसूस करोगे। मकर के बाद अब कुंभ की चर्चा करेंगे। कुंभ यानी कि 11, ये आपका कुंभ हो गया और चंद्रदेव आ जाएंगे यहाँ पर पंचम भाव में। यहाँ पर में चंद्रदेव के पंचम भाव में आने के कारण महर्षि क्या कहते हैं कुंभ राशि वालों के लिए वो सुन, कह रहे हैं कि पंचम भाव में चंद्रमा के आने के कारण कुंभ राशि वालों को दुर्घटना और कष्ट की प्राप्ति का 5 और 6 मई को योग बन रहा है, कार्य सफल नहीं होंगे, मन में अशांति रहेगी, धन हानि का योग, पेट से संबंधित परेशानी, काम वासना की अधिकता और उचित सलाह ना आप किसी को दे पाएंगे ना किसी से ले पाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको इस समय में संतान के सुख में कमी का योग बनेगा, आपके पास में जो विद्या बुद्धि है उसका इस्तेमाल करके उचित लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। ये जो भाव है पांचवा, आप विद्यार्थी वर्ग के अगर लोग हैं तो आपको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा 5 और 6 तारीख। आपको बता दूं कि यश में कमी रहेगी, चाहने वालों की संख्या में कमी रहेगी, धर्म और मंगल कार्य आपका कमजोर रहेगा, ननिहाल से खूब लाभ नहीं मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी परेशान करेगी, अचानक से धन हानि हो सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कमी महसूस होगी, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति इतनी आसानी से नहीं होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बुजुर्ग वर्ग के लोगों के लिए पुत्र वधु और दामाद का सुख जो है सो कम प्राप्त। अब हम लोग मीन की चर्चा करेंगे, मीन राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले अगर उपाय करना चाहते हैं थोड़ा सा चीनी को चीनी डाल देंगे 5 और 6 तारीख को बढ़िया रहेगा। मीन राशि वालों के लिए चंद्रदेव चले जाएंगे आपके कुंडली के 4थे भाव में। यहाँ पर मैं आने के कारण महर्षि क्या कहते हैं सुनने की कोशिश करें, कहते हैं कि अगर मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा गोचर कुंडली के 4थे भाव में आ जाए तो स्वजन से विवाद होता है, मन चंचल रहता है, छाती में विकार आती है, भोजन सही समय पर में नहीं मिलती है, नींद में बाधा आती है, जल और स्त्री से भय रहता है, समाज में भी अपमान होता है, स्त्री के सुख में भी कमी आ जाती है। इसको आसान भाषा में समझते हैं, मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा के यहाँ बैठने के कारण 5 और 6 तारीख को इनको सुख में कमी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से भी लाभ में कमी, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग भी सुख में कमी और अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का भी ना मिलना। यहाँ से दृष्टि दशम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से भी बहुत फायदा ना होना, वहाँ से भी खूब लाभ ना मिलना, सरकार से लाभ मिलने में कमी, काम धंधा बहुत अच्छा ना चलना, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कुछ कमी का योग, पद प्रतिष्ठा
की भी कमी, हाथ में पावर मिलने में परेशानी, अधिकार में परेशानी, मालिक से लाभ में परेशानी, ये सब आपको मीन राशि वालों को प्राप्त होगा 5 और 6 तारीख। तो मीन राशि वालों को संभल के चलने की आवश्यकता है, उपाय करना है। सोमवार कह रहा हूँ, 5 और 6 तारीख को जो है सो जा करके महादेव को थोड़ा सा या तो जल और नहीं तो जल में दूध हल्का मिला करके चढ़ा देना है, अथवा पॉसिबल हो तो दूध ही चढ़ा देना है, सबसे बढ़िया रहेगा, आपकी आधी से ज़्यादा परेशानी अपने आप समाप्त हो। तो ये था राशि फल आपका मेष से लेकर के मीन तक का, बिना जल्दीबाजी किए हुए एकदम आसानी से आराम से समझाने का प्रयास किया आपको कि कैसा समय आपके लिए रहने वाला है। सभी के लिए उपाय भी अलग अलग बताए, उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उसके बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि आने वाले समय में जो वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप उसको देख सके। और क्या, तो और आपको मैं बता दूं कि आप थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पर मैं इसको जरूर शेयर करें। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।